जो नॉर्मली स्ट्रीट लैंप है, जैसे कि आप सबको पहले से ही मालूम था कि लियारी लेक जो कि एक वक्त नेक्सस का दौर हुआ करता था और एक बार का दौर भी वक्त के साथ काफ़ी ऊँच बढ़ता। इसी तरह कुछ अर्से में आप लियारी में कुछ चेंजिंग नज़र आ रही है, जैसे कि हमारे सामने ये दिल्ली का रिहायशी लियारी का रिहायशी और आपको यहाँ पर चेंजिंग नज़र आ रही है कि किस तरह लियारी में लियारी की आवाम में भी शौर और पहले घटना को नज़र आ रहा है, इस तरह गैंगस्टर्स कम हुए, इस तरह हमारे आवाम के अंदर शौर नज़र आ रहा है और हम इसी वक्त हम मौजूद हैं लियारी की स्ट्रीट लाइब्रेरी में, चूँकि आप देख सकते हैं काफ़ी लोग इसे विजिट करने भी आते हैं कि लियारी उसको समझा जाता है क्रैंड के नाम से जाना जाता है, उसको क्रैंड के नाम से पहचाना जाता है। लेकिन आज कल अगर हम आज की बात करें तो लियारी काफ़ी एक अपने प्रोग्रेस कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि लियारी का नाम हम ज़्यादा से ज़्यादा रोशन कर सकें, लियारी को एक उस मकाम तक पहुँचा सकते हैं जहाँ तक लोगों ने अपने गलत कंसेप्शन बनाया हुआ लियारी के खिलाफ। ये तो क्राइम्स का घर है जहाँ पर क्राइम्स ही हुआ करते हैं, जैसे कि हमारे दोस्त आए हैं, हमारे दोस्त मौजूद हैं लियारी के वालेकुम। मेरा नाम जैन है। जैसे कि यहाँ पे लियारी में काफ़ी साल पहले की बात है कि मैं यहाँ पे आने से भी डरता था, क्योंकि ये प्लेस जो है कि क्राइम का अड्डा हुआ करता था ना, जिसका जहाँ पे लोग जाने से बताते थे। आज इस प्लेस पे जैसे कि आप देख रहे हैं कि एक बहुत ही बेहतरीन प्लेस बनाया गया है, स्ट्रीट लाइब्रेरी कराची में ऐसी सिर्फ दो है, एक पहले बन चुकी है, अब यहाँ पे लियारी के सेंटर पॉइंट में बनाई गई है, जो एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे आते हैं, बाहर से फायदा ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि यहाँ देखा जाए। आज मैं काफ़ी दूर रहता हूँ यहाँ से, बेसिकली मेरे दोस्त ने मुझे बताया तो मैं आज देखने के लिए यहाँ पे आया हूँ। ये देखा जाए बहुत बेहतरीन प्लेस है और कराची में हमारा एक हमारी जनरेशन आ रही है, तो ये एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। कराची में तकरीबन हर मतलब कोई कोई स्ट्री भी ऐसे बनाने चाहिए, क्योंकि पार्क से बेहतर है कि स्ट्रीट लाइब्रेरी बनाई जाए जहाँ पे हम लोग अपने काम तो कर सकते हैं, वो फिर माहौल में बेहतरीन चीज़